पायलट साहब आप मैदान छोड़ भागे, मगर आपके पिता ने कहा भरत में तेरे साथ हो, उनकी तस्वीर हमने यहाँ लगा थी। राजेश पायलट ने कहा कि मेरा बेटा नहीं आया पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, भरत मेरी तस्वीर लगा। ये राजेश पायलट वो आदमी थे जो दम रखते थे इंदिरा गांधी के जमाने में सच बोलने का, और नेता वही है जो सच के पीछे चले। आज जो देश में शासन है, दुर्भाग्य से उस शासन का सोच ये है कि जो भी विकास इस देश में हो रहा है उसको करने वाले 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं। पहले वालों ने जो विकास करा वो देश का विकास नहीं, उन्होंने विनाश किया है। आज भारत ने जो दुनिया के सामने जो प्रगति का जो ये मॉडल जो भारत देश का खड़ा है वो असंभव था अगर भारत की नींव कमज़ोर होती। किसी भी इमारत की नींव मजबूत होती है तो उस पर मंजिलें ऊपर से ऊपर बनाई जा सकती हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो केवल भारत ही आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। दोनों देश इस भारत में से निकले हुए हैं। पहले हिंदुस्तान एक था, पाकिस्तान एक था, और जब हिंदुस्तान बना उसके साथ ही पाकिस्तान बना। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है और हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया? अरे उस नीम के बदौलत पहुँचा जो इस देश को आज़ादी दिलाने वालों ने जिस ईमानदारी के साथ काम किया उसकी बदौलत आज हमारा देश प्रगति कर सका है। और जो देश का नेतृत्व करते हैं वो हमारी उस पीढ़ी का अपमान करें, उसकी निंदा करें कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। मैं जिक्र करना चाहूँगा 1947 की, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था न मोदी जी का जन्म हुआ था। 1947 को 15 अगस्त जिस दिन भारत में स्वतंत्रता का झंडा लहराया जा रहा था दिल्ली में, प्रधानमंत्री नेहरू जी, जवाहरलाल जी नेहरू झंडा फहरा रहे थे लाल किले पे, उस समय हमारे देश के मुख्य इस आज़ादी के नायक महात्मा गांधी उस जश्न में भाग नहीं ले रहे थे। इसलिए नहीं कि उनको आज़ादी की खुशी नहीं थी, मगर भारत जल रहा था। जो आज बंगाल है, बांग्लादेश है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, और महात्मा गांधी 1947 की 15 अगस्त को उस क्षेत्र में जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे ताकि शांति बने रहे। कैसे नायक थे हमारे इस देश के जो स्वतंत्रता के जश्न में शामिल नहीं होकर मानवता में सद्भावना बनी रहे उसके लिए काम कर रहे थे। और उस व्यक्ति को आज़ादी के एक साल बाद ही हमारे ही देश के उस विचारधारा के लोगों ने गोली मार दी जो महात्मा गांधी के विचार से सहमत नहीं थे। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जिन लोगों ने गोली मारी उनकी विचारधारा तो आज भी वो की वो है, वो उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, मगर गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई, जिस गांधीवादी विचार को हमने पकड़ा है, मैं समझता हूँ कि अगर हम दृढ़ता के साथ उस गांधीवादी को पकड़े रहते तो कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। गांधी का नाम लेना आसान है, गांधी के नाम में लेकर गलत काम करना कांग्रेस को कमजोर करता है। इससे तो बेहतर है कि हम गांधी का नाम नहीं लें। गांधी का मतलब क्या है? गांधी का मतलब सत्य है। गांधी ने सत्य में परमात्मा का दर्शन किया। और आज हमारी राजनीतिक मांग क्या है, हम क्या चाह रहे हैं? हम सत्ता की कुर्सी चाह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? जीतने वाला किसको टिकट देंगे? जो जीतेगा। गांधीवादी सोच के लोगों ने यह कभी नहीं कहा कि उस गांधीवादी विचार को रख के कोई ईमानदार कार्यकर्ता है जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसको हम आगे बढ़ाकर इस गांधीवादी विचार को रखेंगे। हम चोर को समर्थन देने के लिए इसलिए तैयार हैं कि वो जीत सकता है, और जीतने के लिए जो सब आवश्यकता है वो आज के समाज में उसके पास होए।
आप लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं कि भरत सिंह चुनाव लड़े, मैं चुनाव के मैदान से भाग नहीं रहा। मैं 21 साल की उम्र में आपके बीच में, आपके गांव में, जैसे आप गांव के रहने वाले हैं वैसे ही मैं कुंदनपुर का नवयुवक था। मुझे राजनीति का शौक न तो उस समय था, न राजनीति का शौक आज है। न मैंने कुर्सी के लिए उस समय काम किया और न कुर्सी के लिए आज काम कर रहा हूँ। इसीलिए जो मुझे गलत लगता है उसके खिलाफ बोलता हूँ। ये परमात्मा की कृपा है कि सारी विरोध परिस्थितियों के अंदर जनता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। नेताओं ने लगातार मेरे को रोकने की कोशिश करी और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि ज़्यादातर तो वो दुनिया में नहीं रहे वो लोग बाग, मगर उनने रोकने के लिए जो मुझे प्रयास करा उसी से मुझे शक्ति मिली कि मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा होकर काम कर सकूं। जो भी आप सांगोट विधानसभा में देख रहे हैं इसका महत्व मैं नहीं मानता ज़्यादा। अगर आप किसी चीज़ के लिए भरत सिंह को याद करना तो वो ये है कि जो सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्मदिन पर हम मनाते हैं उस सद्भावना के लिए मैंने पिछले 50 साल से काम किया। इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, निकट के गांव में मैंने देखा है लोगों के हाथ काट दिए और वही परिपाटी आज भी चलाने को तैयार है अगर उसके खातिर वोट मिले। अगर मैं न तो हिंदू का पक्ष करता हूँ न मुसलमान का करता हूँ। हिंदू का तो धर्म ही वही है। हिंदू को अगर सही रूप में, हिंदू वो है जो सबको अपने जीवन में, और धर्म क्या है, जो मानव को मानव से जोड़े वो धर्म है और जो मानव को मानव से तोड़े वो अधर्म। उस कसौटी पे आप देखिए कि आप कितने धार्मिक हैं या कितने अधार्मिक हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था, मैं धन्यवाद देता हूँ उन नेताओं को जिन्होंने राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर इस सभा में वादा डालने की कोशिश करी। ये कोई नई बात नहीं है। रामायण के काल में जब ऋषि लोग यज्ञ करते थे तो राक्षस हड्डियां डालते थे। आज का राक्षस कौन है ये मैं आपसे पूछता हूँ, कौन है? राक्षस की भूमिका अदा कौन कर रहा है? और मैं जो बात कर रहा हूँ, पायलट साहब आप मैदान छोड़ भागे, मगर आपके पिता ने कहा भारत में तेरे साथ हो, उनकी तस्वीर हमने यहाँ लगा थी। राजेश पायलट ने कहा कि मेरा बेटा नहीं आया पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, भरत मेरी तस्वीर लगा। ये राजेश पायलट वो आदमी थे जो दम रखते थे इंदिरा गांधी के जमाने में सच बोलने का, और नेता वही है जो सच के पीछे चले। स्वामी विवेकानंद ने कहा पूरे दुनिया से कहा कि वो समाज जो सच से तालमेल मिलाकर नहीं चलता है वो समाज ध्वस्त हो जाएगा। सत्य कभी समाज के साथ तालमेल नहीं मिलाता, समाज को सत्य से तालमेल मिलाना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी, इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 साल में काम के आधार वोट दे तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 156 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, जब काम के आधार पर ही वोट देने हैं तो 156 क्यों, 200 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। काम के आधार पर ही अगर वोट हो, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ कहने को बात नहीं है, उनके पास संगठन है, उस संगठन के बलबूते पर उनके पास धर्म की बात करना उनके पास है, इसको लेकर वो अपनी जगह चलते हैं। मगर हमारे पास भी, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो भरत सिंह इस मंच से बोल रहा है वो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी बोल चुके हैं। उन्होंने कहा हमारे कमजोरी का प्रमुख कारण यह है कि हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मिलके चुनाव लड़ते हैं, ये मिले हुए हैं। इस कोटा में बहुत सफाई से मुझे ये दिखता है, बारा में दिखता है, झालावाड़ में दिखता है, और जब मिलके लड़ेंगे तो विनाश किसका होगा, पार्टी का होगा। हमने बारा में देखा, हमने कोटा में देखा। कोटा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं
तो किसी ने कहा ये तेरे खांदे पर कौन सा छोरा है, अरे कहीं यो ही तो जो मारो छोरो। तो जो भ्रष्ट को आप कह रहे हो ना खाओ ना खाओ ना दूंगा, उस भ्रष्ट को तो गोदी में तोप के चल रहे हो आप, हम कोटा वाले जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। हमारी कांग्रेस के शासन में, पिछले कार्यकाल में मैं सरकार में मंत्री, मुझे भनक नहीं लगी, पता नहीं चला कि कैसे ये कोटा की बंद केबल फैक्ट्री कांग्रेस के राज में आज उत्पादन पैदा कर रही है, और इसका मालिक कौन है? सबका मालिक एक कोटा में, सबका मालिक एक कोटा में, जो सब दिखता है, जो संपत्तियां दिखती है उसका मालिक एक, और ये परमात्मा नहीं है। ये इस युग में प्रजातंत्र के अंदर वो लोग बात जिन्होंने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा रखा है, वो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे शासन को। तो इस मौके पर राजीव गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर राजीव गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं आज से 40 साल पहले जब वो महामंत्री थे कांग्रेस के, वो कोटा आए थे, और उस समय मुझे पहले बार उनसे मिलने का और बात करने का अवसर मिला। सबसे युवा प्रधानमंत्री थे देश के, और राजनीति उनका शौक नहीं था, राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। पंजाब में जो कुछ हुआ और उसके बाद उनकी मां की हत्या हुई, और उन परिस्थितियों में राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और जब वो प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने पहली बात यह कही कि मैं प्रधानमंत्री तो बन गया, मगर ये मैंडेट मेरे नाम पे नहीं मिला है मुझे, प्रधानमंत्री बना दिया गया मेरी माँ की जगह, मगर जनता का आदेश मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा और चुनाव करवाए, पूरे देश में चुनाव हुए, दो प्रांतों में नहीं हुए, पंजाब में नहीं हुए और जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, दो जगह चुनाव नहीं हुए क्योंकि वह हालात चुनाव कराना जैसे नहीं थे। उसके बाद जब चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी जी को 413 सीटें मिली पूरी पार्लियामेंट। कितनी मिली? 413। और राजीव गांधी जी ने जब ये बहुमत मिला तो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बहुमत डरावना है, विचलित करता है कि कितना विश्वास देश की जनता ने मुझ में प्रकट किया है, क्या उस विश्वास को मैं बनाए रखूंगा, क्या मैं उसको बनाकर चल सकूंगा, इस कठिन काम में ईश्वर मेरी मदद करे। ये एक सहज साफ हृदय का आदमी इस प्रकार का विचार रख सकता था, और राजीव गांधी एक निर्मल हृदय के व्यक्ति थे। 1914 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और वो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। उनका जन्म और मेरा जन्म एक ही साल में हुआ है, तो जितनी सी जानकारी भारतवर्ष की उनको होगी, अभी तो प्रधानमंत्री जी उनको जब भारत की पूरी दुनिया की जानकारी है, पर मुझे भी जितनी जानकारी है उसके आधार पर मैं आपसे बोल रहा हूँ। उन्होंने जब वो जीते तो उन्होंने पहले वक्तव्य क्या दिया अपने पार्लियामेंट के मेंबरों को, उन्होंने सबको इकट्ठा करा, जनसभा नहीं करी, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा करा जो भारतीय जनता पार्टी के थे और पार्लियामेंट में जीत के आए थे, और उन्होंने क्या कहा वो सुनने लायक। किससे कहा? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो हेडमास्टर नहीं बोलता वो बोली। उन्होंने कहा कि कान खोल के सुन लो, आप ये मत सोचना कि चुनाव आप जीते हो, ये मत सोच लेना कि चुनाव आप जीते हो, आपकी जगह कोई दूसरा भाई या दूसरा बहन भी चुनाव लड़ती तो हो सकता है वो आपसे ज्यादा चुनाव वोटों से चुनाव जीतती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब उन्होंने ये संदेश दिया कि ज्यादा इतरो मत, मेरी वजह से तुम बैठे हो और चुपचाप बैठे रहो। किसकी भाषा है? ये अहंकार की भाषा, और यही खतरनाक बात है।
देश का प्रधानमंत्री अगर निर्मल हृदय का नहीं हो और अहंकारी हो तो रावण और इनमें क्या फर्क हुआ। रावण को ज्ञानी था, रावण विद्वान था, मगर उसका अहंकार था। तो ये अहंकार किसी को भी शोभा नहीं देती, न तो प्रधानमंत्री जी को शोभा देती और न मैं करके जो हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैंने ये करा मैंने वो किया, क्या ये आपको भी शोभा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी ने आपको नेतृत्व प्रदान करा है उसकी बात करें, ये मैं की भाषा दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, न तो उनको शोभा देती है न हमारे मुख्यमंत्री जी को। और मैं इस मंच से मांग करता हूँ, मेरी मांग है कि राजेश पायलट जी के पुत्र राजेश जी, आपने यहाँ आने का साहस नहीं करा, मगर भरत सिंह तो मांग करता है कि युवाई अगला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। आप इस सभा में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कबीर दास जी ने कहा है, रहीम ने कहा, कह रहीम कैसे निभे केर बेर का संग, ते डोले रस आपने ताके फाटे रंग। अरे भरत सिंह तो अपने गेले पर चल रहा है इस कांग्रेस में, ये बाया वाले राजनीति करने वाले इनके साथ कहाँ चलेगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मांगते मांगते थक जाओगे, अरे ये खान की झोपड़ियाँ क्या मांग रहा है भरत सिंह, कोई जागीर का गांव मांग रहा है क्या। मेरी मांग सही है तो हाथ ऊंचा करें आप लोग, पत्रकार लोग बाग ये दिखाइएगा उनको। और मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि जब खेत को खेत की बाढ़ खाए और भरत सिंह चुप बैठ जाए, ये संभव नहीं। खेत को खेत की बाढ़ खाए ये संभव नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप जब कोटा बदाड़ेंगे तो भरत सिंह अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाएगा, और वही भरत सिंह गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाएगा। ये इसलिए कि हमारे एससी एसटी के लोगों पे जुल्म हुआ और उस फाइल को अगर किसी ने दबा कर रख रखा है तो वो राजस्थान का गृह मंत्री है। एक तरफ हमारा गृह मंत्री जी ये बात कहते हैं कि 60 दिन के अंदर फाइल का निस्तारण हो जाना चाहिए, और एक दो कोड़ी के मुकदमे की फाइल को सीआईडी सीबी में पटक रखा है। क्यों? क्योंकि जिस पर कार्रवाई होगी वो भाया की लाडली है और लाडली को बचाना जरूरी है। तो भरत सिंह इस मंच के माध्यम से आपसे कहता है कि जब भी क्षेत्र के लिए और सच्चाई के लिए आवाज उठानी पड़ेगी मैं उठाऊंगा, और वह कहीं ज्यादा जरूरत है कि भरत सिंह एक एमएलए बन जाए और गुंगा बन के बैठा रहे। कोई तंत्र नहीं है इस एमएलए बनने के और चुपचाप बैठे रहने में। साफ साफ जो गलत है उसका विरोध करेंगे। और ये सभा कांग्रेस को ताकत करने के लिए हमने बुलाई थी, और मैं दावे से कहता हूँ कि आप और हम सब साथ होंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ताकत मिलेगी, मगर भ्रष्ट लोगों को आगे कर कांग्रेस को हम जिता नहीं सकते, और उन भ्रष्ट लोगों को जो बीजेपी के लोगों से मिले हुए हम पार्लियामेंट की सीट भी नहीं जीत सकते। यही मेरा संदेश है। आप लोगों ने बड़ी संख्या में सारी तमाम कोशिश करने के बाद कि यह कार्यक्रम फेल हो, ये कार्यक्रम भरत सिंह का नहीं है, ये कार्यक्रम राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का है, एक माहौल पैदा करने के लिए बुलाया था इस क्षेत्र में। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि सभी प्रयास करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पधार कर और अपने खर्च पर, ये जो लोग बाग आए हैं ये सब अपने अपने खर्चे पर आए हैं, जो आमतौर पर कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। ये पूरी साथ की सभा होती है बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों में दोनों पार्टी एक ही लाइन पर चलने लग गई है। सत्य को एक तरफ पटक दिया है और सारी भ्रष्टाचार पूरे समाज में बुरी तरह से फैला हुआ है। इसको रोकना है तो हमें हमारा क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को आगे करना पड़ेगा। यही मेरा आपको संदेश है। आप लोगों का स्नेह मुझे पिछले 50 साल से मिलता रहा, और मैं इस मौके पर याद करना चाहूँगा उन लोगों को जो चिंतन से मेरे साथ जुड़े थे। धन्नालाल जी मीणा थे दोबड़ा के, कुछ नहीं था घर में, एक थैला एक धोती लेके चलते थे,
मगर गांधीवादी विचार उनके सारा था। मैं याद करना चाहता हूँ मास्टर बद्रीलाल जी को, जो कांग्रेस के कट्टर सिपाही थे, मगर जब मेरे प्रश्न आया मेरे साथ खड़े होने का, तो उन्होंने कहा सही कांग्रेस सही ईमानदारी की बात तो आप कर रहे हो भरत सिंह जी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो इन लोगों से मार्गदर्शन मिला मुझे और मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता रहूँगा। और जितनी बड़ी ताकत है, जितना बड़ा व्यक्ति है, अगर वो गलती कर रहा है और सब उससे डरते हैं, तो सामने खड़ा होकर बोलूँगा कि आप गलत हैं। ये कोटा होगा, हमारी सभा में होगा कोटा, गृह मंत्री जी मेरी बात को सुन लेना, ये जिंदाबाद भी लगाएंगे और मुर्दाबाद भी लगाएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।